नमस्ते किसान भाइयों, डी दस नर्सरी की तरफ से आप सभी को स्वागतम। आज हमारा जो थाई चीकू का मदर प्लांट है वो मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। ये हमारा पूरा थाई चीकू का मदर प्लांट है। ये सब कलम भी हुआ है, ये देखिए सब कलम हो चुका है, फूट भी पकड़ गया है, सब कलम हुआ है। हर एक प्लांट में ग्राफ्टिंग हुआ है। ये थाई चीकू का पूरा हमारा मदर प्लांट है। इसमें जो फ्रूट होता है, फ्रूट में दिखाऊंगा आप लोगों को। ये देखिए फ्रूट का साइज देखिए, कितना बड़ा साइज में और थोड़ा लंबा टाइप का। देखिए ये थाई चीकू है, ये अभी पका नहीं है, मैच्योरिटी नहीं हुआ है। ये देखिए और भी कितना फ्रूट आया। इसका फ्रूट क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। इसका देखिए कैसे गुच्छे में फ्रूट आता है, इसका ऐसे गुच्छे में फ्रूट आता है। हर एक डाली में देखिए कैसे फ्रूट आया है। एक प्लांट में देखिए कितना सारा फ्रूट आया है। ये पूरा थाई चीकू का हमारा मदर प्लांट है। इसका फ्रूट आपका बहुत स्वीट है, बहुत स्वीट है इसका फ्रूट, और फ्रूट क्वांटिटी भी अच्छा है इसका। जो आपको देखिए ये देखिए कैसे गुच्छे में फ्रूट लगता है थाई चीकू का। हर एक डाली में देखिए कैसे फ्रूट लगा हुआ है, ऊपर से लेके नीचे तक, एकदम ऊपर डाली में भी फ्रूट लगा है। पूरा लंबा शेप का फ्रूट होता है इसका, एकदम से लंबा टाइप का, लंबा टाइप का फ्रूट होगा इसका थाई चीकू का। ये देखिए हर एक डाली में कैसे फ्रूट लगा है। इसे गुच्छे में फ्रूट लगता है। इसका प्लांट आपको बहुत जल्दी इसको फ्रूट दे देता है। फ्रूट देने में काफ़ी टाइम नहीं लगता है, दूसरे प्लांट की तरफ उतना टाइम ले जाएगा, इसको जल्दी फ्रूट दे देगा। इसका फ्रूट आपको थोड़ा लंबा टाइप का फ्रूट होगा ऐसे। ये देखिए ऐसे लंबा टाइप का फ्रूट होता है। ये देखिए फ्रूट का, ये भी अभी मैच्योरिटी नहीं हुआ है, अभी लंबा टाइप का फ्रूट। हर एक प्लांट में जैसे कैसे गुच्छे में अभी फ्रूट लगा है, ऊपर से पूरा नीचे तक। ऐसा बात नहीं जो ऊपर डाली में नया डाली है इसलिए फ्रूट नहीं लगेगा, ऐसा कुछ बात नहीं है। ऊपर में भी ऐसे देखिए नया डाली में भी फ्रूट लगा है, नीचे तो फ्रूट है ही प्लांट पे, कैसे गुच्छे में फ्रूट लगा है। यह हमारा पूरा थाई चीकू का आपका मदर प्लांट है। ये देखिए हर एक प्लांट में फ्रूट लिख दे, फ्रूट आपको दिखाई देगा हर एक प्लांट में है। इसका पूरा स्टॉक हमारा नर्सरी में मिल जाएगा आपको। ये देखिए पूरा गैप्टिंग हुआ है, गैप्टिंग का पोर्शन में भी प्लांट में फ्रूट लग गया है। इसका पूरा स्टॉक है हमारा नर्सरी में थाई चीकू का। अगर किसी को ज़रूरत है तो स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया है उसमें आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ये थाई चीकू का हमारा पूरा जो स्टॉक है मिल जाएगा। ये अभी मदर प्लांटेशन फ्रूट के लिए बहुत अच्छा डिसीजन है। इसको अगर फ्रूट कोई फार्म में लगा चाहिए, इसका फ्रूट जो है कंडीशन है बहुत अच्छा है। लंबा टाइप का फ्रूट होता है तो इसका आपका फ्रूटिंग का जो स्वीट है और देखने में भी अच्छा लगता है। थोड़ा लंबा टाइप का फ्रूट होता है, खाने में भी बहुत टेस्ट है। फार्मिंग करना है तो इसका फ्रूट का, इसका प्लांट का फार्मिंग बहुत अच्छा जाएगा आपको। इसका साइज भी काफ़ी डेवलप्ड है पहले से। ये थाई चीकू का प्लांट है। फार्मिंग के लिए अभी बहुत अच्छा मार्केट जा रहा है इसका थाई चीकू का। अभी के लिए इतना ही। नमस्ते।